बढ़ला दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अड़ुआ। दिल्ली मद नीति घोटाला मामलें ईडी समन 2 नवेम्बर में पचराउचरा डाकरा। दिल्ली मद दुर्नीति होता घोटाला संपर्कित मामलें एवं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर प्रवर्तन निर्देशालय। या पूर्व यह मामलें गत एप्रिल मासरे सीबीआई केजरीवाल को पचराउचरा करने को डकई। मामलें गिरफ होता आप नेता तथा दिल्ली पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गतकाल जामिन आवेदन खारज कर सुप्रीमकोर्ट। सेपटे प्रसंगे केन्द्र सरकार को टार्गेट कर आम आदमी पार्टी दल पक्षर ट्विट कर आम आदमी पार्टी को निपात करिबा केंद्र सरकार को उद्देश्य। केंद्र सरकार मिछ मामला करी केजरीवाल को जेल में बंद करिबा को चाहउछथि। कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। जो पार्टी एक मास मूवमेंट से निकला है इसे दावा करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलने का दावा करते थे, उनकी असलियत अभी लोगों के सामने आ चुकी है। उनकी कई दर्जन नेता जेल के अंदर है, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रमाण के साथ भ्रष्टाचार की तथ्य, ये सब उजागर हो चुका है। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है, उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। सरकार की प्रमुख के नाते उनको उत्तर देना पड़ेगा। कोई जवाबदेही के ऊपर कोई नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। कुछ लोग, कुछ खानदान खुद को प्रिविलेज मानते हैं, ये अलग बात है। ये कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ करेगा तो उनको उत्तर देना पड़ेगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।